इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़ एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण, नायब तहसीलदार के आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में खिरीडीहा में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर खिरीडीहा निवासी ग्रामीण उग्र हो गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर लगभग 50 वर्षों से पीच रोड बना हुआ है, लेकिन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के कारण आने जाने का पूरा रास्ता ही समाप्त हो गया। वहीं ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ये रास्ता बन नहीं जाता तब तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कोई काम नहीं करने देंगे। इस बात की सूचना मिलते नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे सहित अन्य पुलिस बल के लोग मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामीण किसी भी दशा में मानने को तैयार नहीं थे। तो नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह के प्रयास से उपस्थित ग्रामीणों को आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान यूपीडा के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए धरना समाप्त कर दिया और कहा कि 15 दिन के अंदर अगर अंडर बाईपास नहीं बनेगा तो इसे लेकर हम लोग अनवरत दिन रात धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसे सुनाते हैं नायब तहसीलदार और ग्रामीणों ने क्या कहा। समस्त नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं इस धरने में सम्मिलित हुई और ये धरना प्रदर्शन अब अगर 15 दिनों में हमारा रास्ता क्लियर नहीं होता है तो हम लोग इसके 15 दिनों के बाद अनवरत दिन रात यहाँ धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार हैं। रिडियास में जो अभी यहाँ की जनता वो थी धरने पर बैठी हुई थी, इसको एक अपने लिए छोटे से बाईपास की मार्ग की बात कर रही है कि हमको ये छोटा सा यहाँ से वो जो है आपको बाईपास दे दिया जाए, जिसकी बात हमने इन लोगों को अपने नागरिकों को भी समझाया और चूंकि जनता ने यहाँ पे ये कहा कि आप 15 दिन में हमारी समस्या का समाधान सर करवाइए, इसके आश्वासन के साथ इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। हमने इनको लिख दिया कि 15 दिन के अंदर यूपीडा के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और इसके बाद आप जो है 15 दिन के बाद हम अपनी बात 15 दिन के अंदर अंदर पूरे यूपीडा के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय को, अपने उप जिलाधिकारी महोदय को इस बात से अवगत करा देंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।